बकरे की कलेजी के अंदर लस्सी डालें और कमाल देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट रेसिपी यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बनी है स्पेशल बहुत ज़बरदस्त सी मसाले वाली कलेजी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी मसाले वाली कलेजी बन के तैयार हो गई है। लस्सी के अंदर कलेजी की स्मेल ख़त्म करने का तरीका आपको बताएंगे, तो बगैर स्किप किए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। अक्सर दोस्तों की व्यूज़ की शिकायत आती है कि रफ़ी भाई जब हम कलेजी बनाते हैं अंदर से स्मेल आती है, दिल नहीं करता खाने का। इस वीडियो के अंदर कलेजी धोने का, स्मेल ख़त्म करने का पूरा तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको ये मेरी आज की ई स्पेशल रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी। यकीन माने अगर आप मेरी रेसिपी देख के मसाले वाली कलेजी बनाएंगे तो आपके मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ज़बरदस्त सी मसाले वाली कलेजी की रेसिपी। ये देखिए कलेजी कितनी सॉफ्ट है, देखा आपने? ये देखिए अक्सर लोगों की कलेजी सख्त हो जाती है। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी मसाले वाली कलेजी की रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए कलेजी मैंने ले ली है 1 किलो बकरे की, इसको मैंने काउंटर के ऊपर निकाल लिया है। खुले पानी के अंदर आपने कलेजी को अच्छी तरह धोना है, फिर आपने इसको बोल के अंदर शामिल करना है और मसल मसल के आपने हाथ से धोना है। इस कलेजी के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसके अंदर ब्लड फंसा होता है, वो निकालना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर सुराख होते हैं, इसके अंदर ब्लड फंस जाता है, वो जब पकती है ब्लड निकलता है उसकी स्मेल आती है। फिर आपने इसको धोने के बाद खुले पानी के नीचे 2 से 3 मिनट इसी तरह रहने देना है, फिर आपने इसको स्ट्रेनर से छान लेना है। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मैंने खुले पानी के नीचे कलेजी को छोड़ दिया था। अब आपको पकाने का तरीका बताते हैं। तो कलेजी को मैंने अच्छी तरह धो लिया था आपके सामने, अभी मैंने पैन चूल्हे को रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है। इसके अंदर शामिल कर देंगे कलेजी जो हमने धो के रखी हुई थी। बहुत ही ज़बरदस्त मैंने आपको धोने का तरीका बताया है, खुले पानी में आपने इसको धोना है। अब कलेजी के अंदर शामिल कर देते हैं 1/2 किलो लस्सी। आधा किलो लस्सी शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 दालचीनी की स्टिक, 1 तेज़पत्ता और 2 बड़ी इलायची। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और मिक्स करके आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको 15 मिनट के लिए इस लस्सी के अंदर पकाना है। बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे व्यूअर्स की शिकायत होती है कि कलेजी बनाते हैं वो सख्त हो जाती है, स्मेल आती है। अगर मेरी रेसिपी से आप मसाला कलेजी बनाएंगे तो यकीन माने आपके मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी नरम सॉफ्ट कलेजी बनती है, कोई स्मेल नहीं होती इसके अंदर, यकीन माने। जरूर बनाइएगा और बना के मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी। और लस्सी आप कोई सी भी ले सकते हैं, आप चाटी की लस्सी है वो भी ले सकते हैं, दूसरी जो बाजार में मिलती है वो भी ले सकते हैं, लेकिन 1/2 किलो लेनी है आपने। इसको ऊपर से कवर कर देते हैं मीडियम फ्लेम के ऊपर 15 मिनट के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 15 मिनट बाद। 15 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने कलेजी को कवर कर दिया था। ये देखिए देखा आपने कलेजी का कलर चेंज हो गया है, और 15 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर कवर करके पकाया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने स्ट्रेनर से कलेजी को छान लेना है, सारा पानी इसका लस्सी का आपने निकाल देना है, सारी स्मेल इसकी निकल गई है। देखिए कलेजी को मैंने स्ट्रेनर कर लिया है और स्ट्रेनर करके मैंने इसको 2 से 3 बार अच्छी तरह धो लिया है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कलेजी साफ हो गई है, यकीन माने अभी इसके अंदर कोई स्मेल वगैरह नहीं है। इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल, साबुत मिक्स गर्म मसाले, 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े साइज के प्याज लिए थे, इनको स्लाइस में काट लिया, और हाई फ्लेम के ऊपर आपने प्याज को, लहसुन को और अदरक को गोल्डन कर लेना है। ये मेरे पास फ्रोजन अदरक का और लहसुन का पेस्ट था, अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश भी शामिल कर सकते हैं 1-1 टेबल स्पून। हाई फ्लेम के ऊपर हमने सारे मसाले को लाइट सा गोल्डन कर लिया है। अब मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो 1 टेबल स्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर,
एक टीस्पून काला जीरा और एक टेबलस्पून नमक, एक टीस्पून गरम मसाला और एक टीस्पून हल्दी और एक कप दही। जब भी आप कलेजी बनाएं तो उसके अंदर दही शामिल करें, टमाटर ना शामिल कीजिएगा, दही से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और आधा कप पानी और साथ में शामिल कर देंगे कलेजी। अब आपने फ्लेम ऑन करनी है और इसको करना है मिक्स अच्छी तरह। कलेजी शामिल करके मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दी है। मैंने स्लो फ्लेम के ऊपर इसको कवर कर देना है 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 10 मिनट बाद। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट के लिए मैंने कलेजी को कवर कर दिया था ऊपर से। ये देखिए, जरूर बनाइएगा, यकीन माने इतनी सॉफ्ट कलेजी बनती है कि आपको ऐसे पता चलेगा जैसे आप गोश्त खा रहे हैं। पूरी रेसिपी को आपने फॉलो करना है और यकीन माने इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है जब इसको लस्सी के अंदर हम 10 से 15 मिनट के लिए पकाते हैं। अगर आपकी कलेजी ज़्यादा छोटे साइज की है तो फिर आपने इसको 10 मिनट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम के ऊपर लस्सी के अंदर। अगर मीडियम साइज की है तो फिर आपने इसको 15 मिनट के लिए पकाना है। और मैं जब भी कलेजी मसाला बनाता हूँ मैंने कभी भी इसके अंदर टमाटर नहीं शामिल किए, दही से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और साथ में शामिल कर देते हैं धनिया कटा हुआ। अब आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको 5 मिनट के लिए बस भूनना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने कलेजी को 5 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैंने इसकी फ्लेम स्लो कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े ही ज़बरदस्त हमारी मसाले वाली कलेजी बन के तैयार हो गई है। यकीन माने आपको मज़ा आ जाएगा। और 3 से 4 टेबलस्पून बस आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे इसके अंदर और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे 5 अदद छोटी। मिक्स करते हैं पानी शामिल करके। पानी आपने इसके अंदर ज़्यादा नहीं शामिल करना, पानी वाली कलेजी अच्छी नहीं लगती। सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है और स्लो फ्लेम के ऊपर इसको कवर कर देंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ये देखिए फ्लेम मैंने अभी इसकी बंद कर दी है। देखिए कितना ज़बरदस्त कलेजी का कलर आ गया और कितना ज़बरदस्त इसका मसाला लग रहा है, देखा आपने। और अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ, आप इसकी लुक चेक करें। आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें